फाइनली गाइज हम अटल टॉलर पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही अब अंडर करने वाले हैं, आपको दिखा रहा हूं यहां पे काफ़ी लोग फोटो सेशन वगैरह क्या ही बोले। और चलिए इसके नज़ारे आपको दे देते हैं। मिलन हो रहा है, ये मियाँ बीवी मिल रहे हैं यहाँ। गाइज कैसे हो, आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम आ चुके हैं मनाली, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट प्लस होटल्स भी है। और आज थोड़ी बहुत आपको राइड भी देखने को मिलेगी, साइड सीन हम दिखाएंगे आपको मनाली का और मज़े कराएंगे पूरे, फुल मज़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ आपका अपना ओमकार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओपी के ब्लॉग्स। दिखाता हूँ आपके होटल्स के जो मनाली में जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ के नज़ारे, तो बहुत ही उम्दा है। देखिए ये है हमारे मनाली होटल्स के नज़ारे, रोहतांग। ये गवर्नमेंट क्वार्टर की तरह है, गवर्नमेंट ही की तरफ से है और काफ़ी अच्छा हमें रेंट पड़ गया इसका। और हमारे एक दोस्त थे जानने वाले और उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा कर दिया, बट यहाँ की जो ब्यूटी है वो अद्भुत है। बच्चों के लिए झूले और इस तरफ देखिए गार्डन कितने प्यारे हैं, रोज़ ही रोज़ लगे हुए हैं, पिंक रोज़ लगे हुए हैं, येलो रोज़, रेड रोज़, हर तरह के रोड लगे हुए हैं। तो आगे मैं आपको और दिखाता हूँ अपना होटल्स। ये है यहाँ पे छोटा सा कैफ़े, बहुत ही प्यारा यहाँ पे सिटिंग एरिया है, यहाँ बैठ के यहाँ पे चिल विल कर सकते हैं। तो ये है ऑफिस और इस तरफ होता है हमारा डिनर वगैरह, बहुत ही शानदार उम्दा। ये है कुछ होटल्स के नज़ारे जो कि बहुत ही उम्दा बेहतरीन है, सुंदर हैं काफ़ी, देख सकते हो गवर्नमेंट क्वार्टर की तरह है बिल्कुल और काफ़ी अच्छा है। का जो रूम है उसका हमने बहुत ही बुरा हाल कर रखा है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता बिल्कुल भी, पहले मैं दिखा चुका हूँ। चिल विल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, हमने यहाँ पे रात के बैठ के काफ़ी बातें चीत करी, गप सप मारे। और ये हमारे बाइकर्स निकल चुके हैं, सेशन चल रहा है। बहुत ही बढ़िया भुट्टा था, नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और ये है यहाँ का व्यू, देख सकते हो। और ये रोड का जो व्यू आ रहा है क्या ही बोले दोस्तों, बहुत ही शानदार। रास्ते का व्यू है बहुत ही प्यारा, अद्भुत नज़ारा। ही नज़ारे हैं दोस्तों, वाह व्हाट अ व्यू। फाइनली गाइस हम अटल टॉलर पे पहुंच चुके हैं, बहुत ही अब अंडर करने वाले हैं, आपको दिखा रहा हूं यहां पे काफ़ी लोग फोटो सेशन वगैरह चल रहे हैं यहां पे, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है क्या ही बोले। और चलिए इसके नज़ारे आपको दे देते हैं। अटल टनल पे निकल चुके हैं, वहाँ पे शूट करने नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पीछे आके शूट कर रहे हैं। और ये अटल टनल का एंड है, हमने आपको पूरे बीच के नज़ारे दिखाया और ये देख सकते हो क्या ही नज़ारा है इस तरफ का। साइड में लगवा रहे हैं, बारिश का मौसम है, हमारी बाइक वगैरह हमने उधर खड़ी कर दी है, टनल में रुके हुए हैं और देख सकते हो अब यहाँ धक्का लगेगा। चलो भैया, वन,
वन टू थ्री स्टार्ट। नहीं होगा भाई। अरे भाई, भैया, भाई निकल जाएगा सर। अरे भाई, जोर लगा के, जोर लगा के भाई, इधर ही लगा लेते, उधर कहाँ ले जा रहे हो? वन टू थ्री, वो फंस गया भैया। चलो पीछे करके आगे निकल के हो गए भाई। इतनी थी भैया जान। ये एक्टिविटीज़ प्लेस है, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, और आप देख सकते हैं पंजिंग जंपिंग भी है, थोड़ा सा रोप वाला भी है। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और उस तरफ खड़ी है अपनी बाइक। ये हाल है हमारे दोस्तों का, और कुछ हमारा भी। ये है कुछ हाल हमारे, चल रहे हैं बस। आ जाओ, बैठ गए तो। चलो चलो, ये है यहाँ की ट्रैकिंग, देख सकते हो कितनी ऊपर है। ये बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, आ गया लग रहा है, लेकिन ऊपर तो है। वैसे भी यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है। याक देखिए, बच्चों को लेके जा रहे हैं। हो रहा है, ये मियाँ भी मिल रहे हैं यहाँ। हम आ गए हडिम्बा टेम्पल। ये है हडिम्बा टेम्पल के नज़ारे। माल रोड का क्राउड, अभी बज रहे हैं रात के 10, 9:30 के लगभग हो रहे हैं, और ये यहाँ का क्राउड है। देख सकते हो ये पूरे वेज पे हमला। ओह माय गॉड, काफी अच्छा लगा आपको रास्ते मैंने दिखाए, कितने शानदार थे, कितने जबरदस्त थे। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और शेयर तो आपको बहुत करना है, और आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आपका फेवरेट पार्ट था इसमें। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं था ओम प्रकाश ओपी के ब्लॉग से, शाइनिंग आउट। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो सीरीज पूरी देखिएगा, और शेयर करनी है आपको हर एक अपने फ्रेंड को, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हुई, बहुत सारी दिक्कतें भी हुई। तो चलिए,